और आप विशेष के जन बधा चुके हैं। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर राज्य के पंचायती राज संस्थानों को उनके अधिकार सौंपकर उन्हें भी आज़ादी दिलाई जाएगी, तो इस विशेष अवसर पर ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायत परिषद की ओर से मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जन मैडम मेरी शांति जीवल जी से कि वो आए और मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जन को मैम टोस स्नेह प्रदान करें। जनपी सिंह कामले तथा अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज परिषद के अध्यक्ष श्रीमती अब मैं परिषद के अध्यक्ष सभी को मैं जोरदार तालियां दे सकती हूँ। आज की यहाँ पर एक यूनिक कल्चर है, यहाँ पर ट्राइबल कल्चर है, एक इकोलॉजी का एक अलग इकोलॉजी है, फॉरेस्ट का है, एक अलग जियोग्राफी है, यहाँ पर डिफरेंट टेरेन है। इस बेसिस पे हमने एक मॉडल बनाया है स्पाइस। स्पाइस का मतलब यस का मतलब सस्टेनेबिलिटी, पी का मतलब पार्टिसिपेटिंग, आई का मतलब इंक्लूसिव, सी का मतलब कॉम्प्रेंसिव, ई का मतलब एम्पावरमेंट। ये सारे पांचों लेटर को अगर आप देखेंगे तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो एक बिगनिंग है, एक शुरुआत है। इसमें दो विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यदि हमें इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो उसमें सिर्फ एक ही विषय मेरे नजर में आते हैं, वर्ल्ड ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, यानी इवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन, ये अपने आप यदि हो जाएगा यदि हम अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो सरकारी तंत्र उनके साथ काम कर रहा है उनकी यदि कैपेसिटी को हम बढ़ाएंगे ट्रेनिंग के द्वारा, जो आपका ये एवोल्यूशन फंक्शन का जो श्रेणी खत्म होने का बाद में हम लोग सेकेंड हाफ होल डे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या करना है हम लोग को। मैं आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरा होल दिन, बैठे तो सारा दिन बैठ के हम लोग शाम तक हम लोग बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। तो एम्पावरमेंट मतलब जो है अपना प्रदेश का जो ये जो धन धन राशि है इसका भी तो जिम्मेदार आपको होना है। जो स्पाइस मॉडल में जो होगा 17-30 सिस्टम है तो आपका परफॉर्मेंस ग्रांस होगा, आप परफॉर्मेंस करना होगा तो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आना आज स्कूल मीटिंग नहीं होता है, आज का दिन में स्कूल मीटिंग नहीं होता है, मैंने बोला है कि जे है पीपुल्स पार्टिसिपेशन। उस दिन हमारा केंद्रीय मंत्री लोग भी आता रहा और बोला है कि आज का जमाना पीपुल्स पार्टिसिपेशन होना है, कोई भी है जे में अगर वाटर सप्लाई सिस्टम है वो करके देगा, सरकार देख करके देगा लेकिन पब्लिक अपना से स्टेट का जितने भी जो इनकम होता है इवन अपना वेट से कितना इनकम आता है तो वो पूरा SOR के इक्विटी से उससे हम लोग 10% शुरुआत से आप लोगों को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये 10% का जो फंड और SOR जो पंचायत को जाएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन 50:50 जो होगा पॉपुलेशन क्राइटेरिया एंड 50 एरिया का ये क्राइटेरिया। पंचायत का पास में वो ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर हकीकत में नहीं हुआ था तो मैंने इस साल जब जनवरी में नया इलेक्टेड बॉडी जितने भी जो जिला पंचायत मेंबर्स लोग जब आया तो मैंने एश्योरेंस किया था कि आप लोगों को डिवोल्यूशंस हम करके देंगे और इसके बाद कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने इसको एग्जामिन करके फिर आज जो लेके आया और आज फॉर्मली यहाँ पे लॉन्च करके पंचायत को हम लोग ने पावर्स को डिवोल्यूशन किया है। इस पंचायत का जो मॉडल है वो स्पाइस मॉडल में हम लोग ने डिवोल्यूशन किया हुआ है बेस्ड ऑन दी 3F जो फंक्शन फंक्शनरीज एंड फंड्स। अभी इनिशियली हम लोग ने स्टार्ट किया है कि आने वाला जो फिनेंशियल ईयर में हम लोगों का स्टेट ओन रिसोर्सेज स्टेट्स का अपना जितना भी जो इनकम है वहाँ से 10% हम लोग पंचायत को देंगे बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ 50 पॉपुलेशन बेसिस एंड 50 एरिया बेसिस में करके हम लोग डिवोल्यूशन करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कमेटी गठन किया जाएगा जिसका हेड करेंगे जिला परिषद चेयरपर्सन, और ग्राम लेवल में एक कमेटी का गठन होगा जिसका हेड करेंगे अपना ग्राम चेयरपर्सन। तो उन दोनों का तालमेल से अभी स्टेट का जो SOR का फंड जो दिया हुआ है अकॉर्डिंगली वो लोग प्लान बना के वो लोग अपना एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई थिंक आने वाला दिनों में और भी बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी उन लोगों का कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए और भी हम लोग पंचायत को और भी स्ट्रेंथनिंग हम आने वाला दिनों में और भी करते जाएंगे। अभी इस बार का फाइनेंशियल ईयर में तो सबको पंचायत लेवल तक में अवेयरनेस ट्रेनिंग हम लोग कंडक्ट करना होगा। जैसे आज टेक्निकल सेशंस में सिर्फ जिला चेयरपर्सन लोगों को भी बुलाया है, और डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में अभी ZPM और पंचायत लेवल में जितने भी जो ग्राम है उन लोगों को ट्रेनिंग इस जो ये साल पूरा ट्रेनिंग में ही चला जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट ईयर से होगा। सर फंड का कोई प्रोविजन इस टाइप का इस साल के लिए, क्योंकि टाइम गैप है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट भी करना है, कोविड ने काफ़ी परेशान किया आप लोगों को। ये देखिए, क्योंकि इस साल तो SOR का हम लोग बेस कर नहीं पाएगा, हम लोगों का नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ से ही उन लोगों को फंड मिला जाएगा। इस साल जो SOR कितना स्टेट से जनरेट होता है, मान लीजिए कि 2000 करोड़ जनरेट हो गया SOR, तो उसका 10% हो गया 200 करोड़, तो ये 200 करोड़ जो है उन लोगों को नेक्स्ट जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें मिल जाएगा उन लोगों। सर इसे विधायक लोगों को, क्योंकि काफ़ी चर्चा चल रहा है, जिस दिन से आपको हम लोगों ने मिला बातचीत किया उस दिन से विधायक लोग भी काफ़ी परेशान है कि हमारा फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो आप इस माहौल में और इस आज का दिन में 7,500 पंचायत लीडर्स को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी जो इलेक्टेड बॉडीज है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला हो, चाहे MLAs हो, सब तो अपना देश का विकास, अपना लोगों का विकास के लिए ही तो है। ये फंड लोगों का है, किसी ना MLA का है, ना मिनिस्टर का है, ना CM का है, ना पंचायत का है। ये फंड है तो लोगों का, पब्लिक का विकास के लिए है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होगा। MLA लोगों का अपना जो डेवलपमेंट जो एजेंडा रखना है सरकार ने ऑलरेडी तय करके रखा है, पंचायत का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो ऑलरेडी सरकार ने तय करके रखा है, तो दोनों साथ साथ मिलके अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी या पंचायत को डेवलपमेंट के डायरेक्शंस पर लेके जाएंगे। सर, आई वांट टू ब्रिंग समथिंग ऑन टू योर नोटिस सर, सिंस अरुणाचल इज गोइंग टू बी द पावर हाउस ऑफ इंडिया, सो डैम कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फुल फोर्स, सो वेयर इज अरुणाचल स्टैंडिंग ऑन द व्हाट डैम सेफ्टी लॉ? देयर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स देयर हैज बीन नो डैम सेफ्टी कमीशन हैज बीन सेट अप सो फार, सो बीइंग द कंसर्न सिटीजन सर, आई रियली वांटेड टू नो इज अरुणाचल प्रदेश, एज वी ऑल नो, हमारा पास जो पावर का जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो, वी आर द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री, एंड ओवर द ईयर्स वी हैव ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड लॉट मेनी पावर प्रोजेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिनी माइक्रो टू टिल मेगा। अभी लेटेस्ट जो हम लोगों का पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो कम्प्लीशन हुआ है, दैट इज कमिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक विच इज जनरेटिंग कैपेसिटी 600 मेगावाट। तो इनिशियली जब ऐसे मेगावाट जो बड़ा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट कॉन्सीव जो होता है, तो उसमें जो कंसर्न जो कंपनी होता है वो पूरा अपना सेफ्टी पूरा एनालिसिस करना होता है, सारा प्रोग्राम्स उसमें होता है। तो राज्य की ओर से बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो भी है PSU का माध्यम से, अगर NIPCO हो या NHPC हो, दे आर द इन्वेस्टिंग एजेंसीज, तो वो लोग भी तो पैसा हवा में तो नहीं उड़ाएगा, क्योंकि सब लोग तो चाहेगा जिससे बिजनेस मॉडल ओनली, कोई यहाँ पे ज़्यादा वो चैरिटी करने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपना रिटर्न्स देख के करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट भी तो वो लोग अच्छे से करेंगे ताकि उसका प्रोजेक्ट का वायबिलिटी हो, उसका प्रोजेक्ट का लॉन्गजिविटी भी हो। सो स्टेट गवर्नमेंट का ओर से वी हैव एन मॉनिटरिंग सेल विच इज़ हेडेड बाय अ चीफ इंजीनियर, तो अभी तक तो वो मॉनिटरिंग सेल को ही इवेल्युएट करना है कि हर एक प्रोजेक्ट में जाके जितनी भी जो सेफ्टी पैटर्न जो है वो मीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मीडिया आप लोग है, आप लोगों का अगर नॉलेज में इस प्रकार का कुछ भी अगर मिसिंग लिंक होता है तो प्लीज डू लेट अस नो, आई विल गेट बैक विद अ स्पेसिफिक डाटा अपॉन इट। सर, ऑक्सीजन इशू में आप सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रैप बन जाए, इसमें आपका क्या कमेंट रहेगा? क्या कमेंट है? ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग मैटर में ऑलरेडी आप सुने बहुत पहले मेमोरेंडम दिया था, सो बेस्ड ऑन देयर मेमोरेंडम हम लोग ने एक टू स्टेट लेवल का कमिटी भी गठन किया था हेडेड बाय द सजेटा मिनिस्टर, तो शायद एक दौरान मीटिंग भी हो चुका है, और शायद खबर में आया कि आज उसका एक फिर मीटिंग है। तो एस एन वेन जैसे कमेटी हम लोगों का पास में सरकार को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, देन कैबिनेट विल टेक ए डिसीजन। अपना पूरा हम लोग एंश्योर करेंगे कि अपना ओरिजिनल जो अपना ट्राइबल्स लोगों का इंटरेस्ट में ही
राज्य सरकार डिसीजन लेंगे। सर, एक